से क्या हो गया? पता नहीं किस बात का बुरा लग गया। जी महरोज, आप एक काम करो कि आप घर चले जाओ, मैं घर पर आ जाऊंगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ हूँ ना, तो उन्हीं के साथ घर पर ड्रॉप लूंगी और घर पे बात कर लूंगी मैं। आप जाओ, खुदा हाफिज। मानूर की स्टडी कंप्लीट होने में चंद माह बाकी हैं। सोच रहा हूं कि कहीं अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाए, फिर वादे के मुताबिक मास्टर्स के बाद उसकी रुख्सती कर देंगे। क्या ख्याल है? आपकी नजर में कोई लड़का है? अरे हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कमी है क्या? किसी हाईली क्वालिफाइड लड़के से शादी करूंगा। सुनो, तुम ज़हनी तौर पर उसको तैयार करो, और इस बार शादी के लिए कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। देखो, मानूर इस खानदान की पहली लड़की है जिसकी मैंने हर ख्वाहिश हर जिद पूरी की है। अब शादी के मामले में मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा। ठीक कह रहे हैं आप, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना अच्छा है। हरीम की तरह हमें बचपन में इसका भी रिश्ता तय कर देना चाहिए था, ताकि हमें अब फिक्रमंद ना होना पड़ता। खैर, जल्दी से कोई अच्छा लड़का मिले तो उसके भी हाथ पीले कर लेते हैं। वो मेरे दोस्त शहरयार साहब और उनकी मिसेज आए हैं यूके से अपने बेटे के रिश्ते के लिए। उन्होंने घर आने की ख्वाहिश जाहिर की है। अच्छा, तो फिर बुलाए ना उन्हें किसी दिन खाने पर, उनके बेटे से भी मुलाकात हो जाएगी और मानूर भी आ रही है वीकेंड पे, अच्छा रहेगा। बड़ी तारीफें सुनी है उसके बेटे की मैंने। मास कम्युनिकेशन पढ़कर आया और किसी टीवी चैनल पे बड़ी अच्छी पोस्ट पर है वो। उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? उसकी तो इतनी जमीनें हैं, बावजदाद का छोड़ा हुआ बिजनेस है, तो नौकरी करने का मतलब? अरे आजकल के बच्चों को कहाँ इंटरेस्ट होता है खानदान के कारोबार और जमीनों में। अपने कबीर को ही देख लो, शहर चला गया। कोई दिलचस्पी है जमीनों में तो काम में? नहीं। उसने अपनी मर्जी की शादी भी कर ली। खैर, आप शहरयार साहब को और उनकी वाइफ को डिनर पर बुलाएं। ठीक है, करता हूं मैं बात। हेलो। बहुत अच्छी लग रही है तुम, स्पेशली इस कलर में तो बहुत ही कमाल लगती हो। हाशिम, कहाँ हो तुम? क्या तुम देख सकते हो मुझे? मोहब्बत करने वालों को सब पता चल जाता है, तुम ना भी हो तो दिखाई देती हो हर चीज में। तुमको भी ऐसे लगता है मानू?